हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो लर्नर्स, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम जुलाई 2022 सेशन में जो फ्रेश एडमिशन लेने की लास्ट डेट है, जो कि एक्सटेंड की गई है, उसी के बारे में बात करेंगे। बट जो ये लास्ट डेट है ना, वो सबके लिए एक्सटेंड नहीं की गई है, ये सिर्फ ईयरली बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए है। तो कौन से वो प्रोग्राम्स हैं जिनमें कि आप एडमिशन ले सकते हो और किन प्रोग्राम्स में एडमिशन क्लोज्ड हो चुके हैं, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इग्नू का एडमिशन पोर्टल और आप इसमें स्टार्टिंग में ही देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जुलाई 2022 का जो एडमिशन सेशन है उसकी लास्ट डेट को अब 7 नवंबर 2022 यानी कि एक वीक के लिए एक्सटेंड किया जा चुका है। बट अगर आप इग्नू से कोई सर्टिफिकेट कोर्स करने की सोच रहे थे या फिर किसी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लेना था जो कि सेमेस्टर बेस्ड है, उसके एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। और इसका सिंपल सा एक ही रीजन है, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा दिसंबर में एग्जाम्स होने हैं जुलाई 2022 वालों के, और अगर सेमेस्टर वालों के भी एडमिशन स्टार्ट होते तो ये एक महीने में कैसे असाइनमेंट बनाते और कैसे बिना पढ़े एग्जाम्स देते। तो इसलिए ये पहले ही क्लोज्ड कर दिए गए थे। और चिंता मत कीजिए, अगर आपको किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो इनके एडमिशन दिसंबर में फिर से स्टार्ट होंगे जनवरी सेशन के लिए, यानी कि आप एक महीने बाद अप्लाई कर सकते हो किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए, या फिर अगर आपको कोई भी 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना है उसमें। तो अब बात करते हैं वो कौन से ईयरली बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जिनमें कि आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं, अगर आप उनको नेट पे सर्च करोगे ना, वहाँ पे सेमेस्टर 1 लिखा होगा, सेमेस्टर 2 लिखा होगा, बट होते वो ईयरली बेस्ड है, जैसे कि बीएजी और साथ ही बीए के जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, बीए ईसीएच यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिंदी ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, यानी कि कुल मिलाकर जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम है उन सभी में आप एडमिशन ले सकते हो अभी भी। बट बीसीए वगैरह के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, वो दिसंबर में ही स्टार्ट होंगे। और जितने भी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं उन सभी के भी एडमिशन अभी क्लोज हो चुके हैं, जैसे कि एमबीए वगैरह। बट बाकी अगर आपको किसी भी एमए के प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उनके एडमिशन स्टार्ट हैं, उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगी। और अगर आपको सबसे अच्छा मेथड बताऊं मैं कि आपको कैसे चेक करना है कि किस प्रोग्राम में एडमिशन हो रहे हैं किस में नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना, देन उसके बाद जो आप यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करोगे उससे यहाँ पे लॉग इन करके देख लेना। जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो आपको स्टार्टिंग में ही सबसे पहले तो आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोग्राम सिलेक्शन का, जहां से कि आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं जिसमें कि आपको एडमिशन लेना है। अगर उस लिस्ट में वो प्रोग्राम शो हो रहा है ना, तो इसका मतलब कि उसमें एडमिशन हो रहे हैं। बट अगर वो प्रोग्राम उस लिस्ट में नहीं है तो आपको दिसंबर तक का तो वेट करना ही होगा, तभी आप जनवरी सेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। और फॉर्म फिल करने से पहले आप ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, इसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो कोशिश करना इसे देख के ही फॉर्म फिल करो, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती ना हो फॉर्म फिल करते टाइम। बाकी इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही एडमिशन पोर्टल का भी, तो आप अच्छे से केयरफुली फॉर्म फिल करना। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इसके बाद भी आपके एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट हो या आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या फिर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। दोनों ही जगह एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। और लास्ट में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इग्नू वॉइस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि इग्नू से जुड़ी सभी न्यूज और अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।